विजयी भव विजयी भव नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव और मैं हूं उज्जैन से एम एस सूर्यवंशी। उज्जैन जनपद की 76 पंचायतें हैं और आज देखा जाए तो पंचायतों में हर पंचायतों में जोरों शोरों से चुनाव का दौर चल रहा है। हर पंचायत से सरपंच जी खड़े हुए हैं। आज हम आए हुए हैं ताजपुर गांव में और यहां पर जो तैयारी चल रही है, यहां पर जो सरपंच के चुनाव के लिए खड़े हुए हैं लोग, आज हम उनसे जानकारी लेते हैं और गांव के भी कुछ जनता से बात करते हैं। आइए हम यहाँ की ग्रामीणों से पूछते हैं कि आप किसको जिताना चाहते हो और किसका समर्थन करना चाहोगे। नमस्कार, पब्लिक लाइव में स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका और कहाँ पर रहते हैं आप? मैं ताजपुर रहता हूँ, सेवाराम मेघाना नाम मेरा। हाँ हाँ, और ग्राम पंचायत ताजपुर का निवासी हूँ जी। गांव ताजपुर में विकास के लिए संजय बेगाना को चुनाव चिन्ह टोकरी पे मोहर लगाकर विजय बनाना है। हाँ, तो गांव के साथ सर लोग चाह रहे हैं कि अच्छा शिक्षित और जानकार आदमी सरपंच। संजय बेगाना जी, जो यहाँ से आप सरपंच बनाना चाहते हो, ये आपको पूर्ण विश्वास है? हाँ, कि ये सरपंच पे आएंगे तो अच्छे कार्य करेंगे। बहुत बड़ा गाँव हमारा और बड़े स्तर पर इसकी जान पहचान है और पार्टी जुड़ा हुआ है, तो ठीक धन्यवाद। हमारे साथ में बहुत सारे ग्रामीण जुड़े हुए हैं, हम यहाँ के ग्रामीणों से बात करना चाहेंगे कि नमस्कार, आप क्या बताना चाहेंगे संजय बेगाना जी? संजय बेगाना जो है ये अच्छा पार्टी का अच्छा कार्यकर्ता है और गांव में विकास के लिए अच्छे काम करेगा। क्या नाम है आपका? रामचंद्र। कहाँ रहते हैं आप? ताजपुर में। ठीक, थैंक यू। नमस्कार काका। नमस्कार, पब्लिक लाइव में स्वागत है आपका। क्या बताना चाहेंगे सरपंच साहब जो खड़े हुए हैं, इनके समर्थन में क्या बोलना चाहेंगे? ना, अच्छा व्यक्ति है सरपंच चुने हैं इनको। आपको विश्वास है कि ये जीतेंगे तो अच्छी में कार्य करवाएंगे? वास्तव में काम करेंगे। जैसा कि आपने देखा है, यहाँ की पब्लिक बता रही है कि संजय बेगाना जी, कुछ माता बहनें हमारे साथ में जुड़ी हुई है, उनसे हम चर्चा करना चाहेंगे। नमस्कार माता जी, क्या बताना चाहेंगे आप? संजय बेगाना जी खड़े हुए हैं, आप किसको वोट देना चाहेंगे? संजय बेगाना को देना चाहेंगे। संजय बेगाना जी को वोट देंगे आप? माता जी किसको वोट देना चाहेंगे? जैसे कि देखा है संजय बेगाना जी की धूम मची हुई है ताजपुर में। माता जी नमस्कार, आप दीदी किसको वोट देना चाहेंगे? संजू भैया को वोट देंगे। अच्छा, नमस्कार माता जी, आप किसको वोट देंगे बताएं? संजू, आप सब लोग संजय बेगाना कर रहे हैं, संजय बेगाना जी पे आप लोगों को पूर्ण विश्वास है? अच्छा अच्छा, कि ये अच्छे कार्य करवाएंगे। नमस्कार काका, क्या नाम है आपका? राजा राम बेगाना। अच्छा अच्छा, आप ये बेगाना जी खड़े हुए हैं तो इनके बारे में दो शब्द कुछ क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलना चाहता हूँ सर, अच्छा उनको धन्यवाद दे, ऊपर वाला मालिक राजी हो, जय हो जय हो। जैसे कि बेगाना जी को बड़े बड़े बूढ़े बुजुर्ग उम्मीदवार संजय बेगाना, आज यहाँ पर इनकी गली गली में धूम मची हुई है, आज उनसे जानते हैं हम कि बेगाना जी आप ऐसा क्या मंत्र किया आपने कि लोग आपके दीवाने हैं। नमस्कार पब्लिक लाइव में स्वागत है आपका, क्या बताना चाहेंगे? संजय बेगाना बोल रहा हूँ, यहाँ सरपंच पद के लिए खड़ा हुआ हूँ। क्या नाम? संजय जी। संजय बेगाना नाम। अच्छा, आप चुनाव में खड़े हुए हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से संसार को भी मालूम पड़े कि आप यदि जीतते हैं तो ऐसे कौन कौन से कार्य थे जो अभी तक सरपंच नहीं करवा पाए, जो कार्य को आप करवाएंगे बताएं। सबसे पहले तो हमारे गांव पानी की समस्या है जी, जो अब तक सरपंच बने उन्होंने कोई कराई नहीं जी। अगर मैं जीतता हूँ तो विश्वास दिलाता हूँ, एक शपथ लेता हूँ मैं कि ये काम करूँगा विश्वास के। और बताएं क्या क्या करेंगे आप? ये नाली की समस्या है, रोड की समस्या है, प्रवेश द्वार है, शमशान घाट है और कब्रिस्तान है, उनका सौंदर्यीकरण करूँगा, अस्पताल की पूरी वो देख रेख करूँगा, स्कूल शिक्षा हमारे यहाँ की बालिकाओं दूर जाती है स्कूल दूर यहाँ से, तो उसको हम गांव में लाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, और बताएं आप क्या क्या गांव वासियों के लिए और अच्छा क्या करेंगे आप? अगर मैं जीतता हूँ तो गांव में एक शांति का माहौल रहेगा, सबको एक समान लेके चलूँगा और पंचायत में सब मिलके और एक आम सभा का गठन करके सब काम करेंगे। और जैसे कि आप बताना चाहेंगे कि गांव में ऐसे कौन से कार्य थे जो इतने सालों की जो सरकारें आई और गई और करवा नहीं पाई,
और जो एक्स्ट्रा आप करवाना चाहते हैं, करोड़ों रुपया आया गांव में जी पानी के लिए, पानी के नाम से टंकी बनाई उस गांव में, उस मतलब उधर बनी उस वार्ड में, आज तक इस गांव में पानी नहीं, पाइपलाइन तो डली कास्ता की छड़ पर आज तक एक बूंद भी पानी नहीं जी। जैसा कि मैं आप मीडिया के माध्यम से कैमरामैन को बताना चाहूँगा कि सालों पुरानी यहाँ की टंकी है, प्लीज़ दिखाएं, सालों पुरानी जो टंकी है वो सूखी पड़ी हुई है, और यहाँ पर जिस तरीके से कार्य होना चाहिए अभी तक हुआ नहीं है। आज ये जो बेगाना जी खड़े हुए हैं, ये कहना यूँ चाह रहे हैं संसार से, पब्लिक से, गांव वालों को विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि मैं यदि जीतता हूँ तो गांव के लिए ये सारे कार्य करवाऊँगा। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव, और मैं हूँ उज्जैन से एम एस सूर्यवंशी। ग्राम पंचायत ताजपुर में 5 सरपंच होगा, आज तक पानी नहीं आया हवा में, वो जहाँ कसम खा खा के जाके कहते हैं कि ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे। आज तो मुख्यमंत्री जी पानी के नाम पे करोड़ों रुपए गांव गांव में दिए जा रहे हैं, आपके गांव के अंदर पानी आपके घर तक पहुंच पाता है? सरपंच ने जेब भरा सर, देखिए सरपंच ने जेब भरा पानी का मामला, आपके गाँव में आपके घर तक इधर पाइपलाइन नष्ट हो गई, सिर्फ पानी की व्यवस्था कहाँ से करते हैं? देखिए जहाँ तक कि देखा जाता है कि इतनी सरकारें आई और गई, चेंज हुई, 5 सरपंच चेंज हो चुके हैं, पर अभी तक यहाँ की समस्या, पानी की समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। और बताना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा। और क्या क्या चीज़ की समस्या है? सड़कें हैं खुदी हुई, और मतलब समस्या ही समस्या चल रही है अभी जब से। क्या क्या बताओ? अच्छा, आपको पूर्ण विश्वास है कि अभी तक जो समस्याएं हुई है किसी कारणवश नहीं हो पाई पूरी, तो अब जो आप सरपंच जी को चुन रहे हैं इन पे पूर्ण विश्वास है? आपको जैसे कि सब लोग बता रहे हैं पूर्ण विश्वास है, आप कुछ बताना चाहेंगे? हमारा कार्य जो भी आने वाला कार्य करेंगे, अभी भी मैं मोहल्ले में रहता हूँ, अभी सरपंच नहीं है, फिर भी जो कार्य होता है कौन कौन सी, क्या जैसे बीमारी होता है हमारे साथ आते हैं संजय भाई जी, और छोटी मोटी तकलीफ आती है तो पैसे कौड़ी भी देते हैं हमारे। अच्छा, आस पास में हेल्प भी करते हैं? हेल्प भी करते हैं, पानी वगैरह अभी बोरिंग भी है तो इनके यहाँ से पानी वगैरह भी अभी इनके यहाँ से सब भरते हैं सब लोग, कोई छोटी समस्या भी आ जाती है तो बड़ी माता इनसे होती है, वो पूरी रात से करते हैं, और आगे भी ये बन जाएंगे तो हमारी तो ये दुआ है कि बन जाए तो आगे भी कार्य करेंगे, तो पानी की समस्या का भी जो हल है यहाँ पर, तो बिजली का लाइट वगैरह का भी है, अभी हमारे पीछे जो डीपीए भी खराब हो गई थी इन्होंने सही करवाई। पर्सनली इनके खर्चे से पहले सही करवाई? अच्छा, दौड़ी जो इन्होंने करी हमारे। अभी आज के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे काका? हाँ, ये काका है, बहुत ही अच्छा लगा, और हम तो यही दुआ करते हैं कि भाई मेरा समझो बेगाना को आना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा छोटे से लेके बड़े तक सभी लोगों में खुशी का माहौल बना हुआ है, यहाँ पर कुछ माताएं बहनें गांव के युवा बुजुर्ग और सारे लोग यहाँ पर आज संजय बेगाना जी के पक्ष में खड़े हुए, कंधे से कंधा यदि देखा जाए तो कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। आइए, हमारे साथ एक और भाई जुड़े हुए हैं जो युवा हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? नमस्कार, क्या नाम है आपका? साकिब खान। खान जी, आप क्या बताना चाहेंगे बेगाना जी के बारे में? बढ़िया काम कर रहे हैं, आपको पूर्ण विश्वास है? पूर्ण विश्वास। अरे वाह, अच्छा, अभी तक के जितने भी जो सरपंच आए हैं वो क्या काम नहीं करवा पाए आपने यहाँ पर? काम तो सभी ने करवाया। अच्छा, सभी ने अच्छा, फिर चेंजेस का मौका होता है हर 5 साल में चेंज करने का, तो इस बार आप चेंज करेंगे सरपंच जी तो संजय बेगाना जी को? हमारे मोहल्ले के तो मोहल्ले पे ज्यादा ध्यान देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। देखिए यहाँ ताजपुर में संजय बेगाना जी की धूम मची हुई है, कुछ माता जी हमसे जुड़ी हुई है अपने भी आई है। नमस्ते माता जी, क्या बताना चाहेंगे संजय बेगाना जी को? खड़ा खड़ा है यहाँ पर चुनाव में आपको संजय बेगाना जी को जिताएंगे आप? अच्छा, आप दीदी क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा अच्छा, आप माता जी आप कुछ बताना चाहेंगे? आपको जो क्या बोलना चाहिए?
जैसा कि जिससे भी यदि पूछते हैं, बड़े तो ठीक है, यदि किसी बच्चे से भी यदि पूछते हैं तो किसको जिताना चाहेंगे आप लोग? एक बार सब लोग खड़े होके जोर से बोल सकते हैं, संजय बेगाना गांव घर का विकास हो अगर आपका ये सपना है, गांव घर का विकास हो अगर आपका ये सपना है, तो उसे मौका दीजिए जो आप सबका अपना है।